नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और आपने अभी हमारे चैनल न्यूज़ 24 आरजे हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। दोस्तों, आप सभी को पता है लगभग 29 अप्रैल को पृथ्वी और उल्कापिंड के मध्य टक्कर होने वाली है, जिसे इस पृथ्वी का अंत होने वाला है। क्या दोस्तों वाकई में उल्कापिंड पृथ्वी से टकराव होगा? कितना सच है, कितना झूठा है, आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि पृथ्वी और उल्कापिंड पृथ्वी के समीप बहुत ही दूर है तो नासा और इसरो के माध्यम से क्यों बताया गया, यह सबसे बड़ी बात है। यदि पृथ्वी से उल्कापिंड बहुत ही दूर है तो ये जानकारी हमें क्यों बताई जा रही है कि लगभग 29 अप्रैल को पृथ्वी और उल्कापिंड के माध्यम से जो घटना घटने वाली है वो टकराने वाली है। ये बात तो आप ही जानते हैं। जब इसरो और नासा ने ये क्यों क्लियर कर दिया है, आप सभी को भी ये भी पता है दोस्तों, बहुत ही दूर है तो क्यों बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार उल्कापिंड और पृथ्वी ऐसी घटना कब से चली आ रही है? दोस्तों, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, 1998 से चली आ रही है उल्कापिंड को लेकर। अब इसका वास्तविक रूप क्या है, कब तक होगा या नहीं होगा? ब्रह्मांड में ऐसे कई उल्कापिंड रहते हैं। अब आप जानते हैं पृथ्वी से टकराव होगा नहीं दोस्तों, मगर दोस्तों नासा है, उसने हाल ही में ये जांच किया है 1998 में, बताया है कि ये उल्कापिंड आने वाले 2020 में 29 अप्रैल को पृथ्वी के आसपास से गुजरने वाला है। आखिरकार गुजरेगा या टकराएगा? मगर दोस्तों ध्यान दें, ऐसा कोई अपडेट नहीं होगा। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि 29 अप्रैल को पृथ्वी से टकराव होगा, मगर दोस्तों ये वास्तविक रूप से आपको बता देता हूँ, 29 अप्रैल को उल्कापिंड पृथ्वी से समीप आएगा, मगर दोस्तों कहा जा रहा है कि आएगा और इसके बीच 4 मिलियन की दूरी है, जिसके कारण ये पास में से होते हुए गुजर जाएगा। उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकरा पाएगा, इसलिए आपको कोई भी बात का टेंशन ना ले और अफवाहों पर ध्यान ना दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और न्यूज़ 24 आरजे हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।